राशि को सांसारिक जीवन का मोह उसे अपनी ओर खींचता है और वो आध्यात्मिक जीवन से विचलित होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ठीक उस पथ के विपरीत जो गौतम बुद्ध ने चुना था, गृहस्थ जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन। क्या ये विपरीत बुद्धि ताशी को उसके सवालों के जवाब दे पाएगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है समसारा। मूवी के डायरेक्टर है पान नलिन, जिनका असली नाम है नलिन कुमार पांड्या, और आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को एंजॉय कीजिए, और हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नई वीडियो से आप सभी को एंटरटेन करते रहें। समंदर से 15,000 फीट की ऊँचाई में बसा तिब्बत की हसीन वादियों के बीच एक चारवाहा अपने भेड़ के झुंड को हांकता हुआ जा रहा है। अपनी पैनी नज़र से शिकार के फिराक में ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहा बाज एक पत्थर ज़मीन से उठाकर नीचे गिराता है, जो एक भेड़ के सर पर गिरने से तुरंत मारा जाता है। पास ही से गुजर रहा बौद्ध भिक्षुओं का कबीला ये देखकर उनके पास गया। उनमें से एक 5 साल का छोटा भिक्षु चुपचाप खड़ा देख रहा है। उन्हें वहां से लंबी यात्रा कर एक बौद्ध भिक्षु को जगाने जाना है, जो 3 साल से समाधि में लीन है। इतने दिन बिना खाए पिए एक ही मुद्रा में बैठे उन पर धूल जमी है, शरीर अकड़ चुका है, बाल और नाखून लंबे हो गए हैं। उनके कान में धीरे से कहा जाता है, ताशी समय हो गया है। ताशी को नदी किनारे लाया जाता है, बाल और नाखून काट कर नहलाया जाता है और नए कांस्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। आश्रम लौटते वक्त ताशी एक पत्थर पर लिखा देखता है, जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जा सकता है। ताशी के वापस आने पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अभी उसे कुछ समय लगेंगे जब वो फिर से चल फिर और बोल सकेगा। एक दिन उसी आश्रम में एक बच्चे का पिता जब उसे छोड़कर जा रहा होता है, वो बच्चा बहुत रोता है। उसे भी पिता के साथ घर वापस जाना है। ताशी का साथी सोमन ने उससे पूछा, तुम्हें जब यहाँ लाया गया था क्या तुम भी रोए थे? पर ताशी को कुछ याद ही नहीं। जब से उसने होश संभाला है खुद को इसी जगह पाया है। कुछ दिनों में एक समारोह आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें रिनपोचे यानी लामा गुरु के अवतार ताशी को खेनपो की उपाधि देंगे। तिब्बतन बुद्धिज़्म में खेनपो एक डिग्री है, जैसे यूनिवर्सिटी में होती है। बुद्धिज़्म की गहन अध्ययन के बाद ये उपाधि हासिल होती है। सबको मालूम है बुद्धिज़्म में ताशी का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस समारोह में नाचते समय ताशी का ध्यान एक औरत पे गया, जो अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही है, और वो अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा और वहीं रुक जाता है। तब उसके गुरु अपू उसे वहाँ से ले जाते हैं। जब रिनपोचे को पता चला तो उसे पास के गांव में होने वाले फसल कटाई के त्यौहार में ले जाने को कहता है। उसे खुली हवा की ज़रूरत है। अगली सुबह वो गांव के ज़मींदार तेनजिन थौरगे के घर पूजा के लिए पहुंचते हैं। सभी ने जुले जुले कहकर लामा अपू ताशी और सोमन का स्वागत किया, जिसका मतलब होता है नमस्ते। प्रार्थना के वक्त चूड़ियों की खनक से ताशी का ध्यान बार बार भटक रहा। रात में उनका वहीं ठहरना होता है। जब ताशी सोने जा रहा होता है तो सीढ़ियों पर पेमा से उसकी मुलाकात हो गई। ताशी की नज़र उससे हट नहीं रही। पेमा ज़मींदार की इकलौती बेटी है। अगली सुबह सभी आश्रम लौटने को तैयार है। इतने में ताशी की नज़र पेमा पे पड़ी, जो मंत्र लिखा परचम बांध रही है। इन परचम को लुंगटा कहते हैं, जो 5 रंग के होते हैं, नीला आकाश के लिए, सफ़ेद बादलों के लिए, लाल अग्नि को दर्शाता है, हरी घास को, और पीला पृथ्वी को, जो सुखी जीवन शांति और पूर्ति का प्रतीक है। एकाएक उसकी नज़र भी ताशी पर पड़ी। पास खड़ा जामयांग उन्हें देख रहा होता है, जो पीमा का मंगेतर है। रात को ताशी की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ से सोमन ने उसे जाकर देखा। ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है, पर जब उसकी नज़र ताशी की कमर के नीचे के उस चिपचिपे भाग पर पड़ी, सोमन चुपचाप आकर एक कोने में बैठ गया और उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ गया कि उसका मित्र रास्ता भटक चुका है। एक बौद्ध गुरु को ये शोभा नहीं देता। अगली सुबह सोमन उससे आंख चुराने लगा। लामा अपू को ये बात समझ आ जाती है।
उसने ताशी को बुलाकर एक कागज़ दिया जिसमें एक नक्शा बना है। लामा अपू उसे आज शाम ही वहाँ के लिए रवाना होने को कहते हैं। साथ में आश्रम का पालतू कुत्ता काला भी साथ जाता है। ताशी का काला के लिए लगाव, ये बात जानवरों को भी समझ आती है। वहाँ उसे एक गुरु मिलते हैं जो चित्रकारी के जरिए उसे समझाते हैं कि यह शरीर खोखला है, इसके आनंद के लिए तुम मार्ग से मत भटको, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है और साथ में इससे जुड़े आनंद भी। मन पर काबू पाना ही इच्छाओं से मुक्ति है। सुबह तक ताशी अपना मन स्थिर कर चुका था। वो आश्रम पहुंचकर लामा अपू से पूछता है, साक्य मुनि बुद्ध को भी 29 साल गृहस्थ जीवन में रहकर अपना मार्ग चुनने का अवसर मिला था और मैं यहाँ तब से हूँ जब मुझे इसका ज्ञात भी नहीं था। उन्हीं की शिक्षाओं का जीवन भर पालन किया, किसे पता उनके ज्ञान पाने में उनके गृहस्थ जीवन के भी अनुभव शामिल हो। आपने ब्रह्मचारी जीवन को परम संतुष्टि का मार्ग बताया है तो फिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। साक्य मुनि बौद्ध ने कहा है, मेरी शिक्षा को बस इसीलिए मत मानो क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, जब तक तुम अपने जीवन में इसे परख ना लो। ताशी कहता है, किसी चीज़ को जाने बिना उसका त्याग कैसे किया जाए। लामा अपू उसे कहते हैं, समय आ गया है, तुम अपना रास्ता चुनो। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, ताशी अपने घोड़े को लेकर अंधेरे में निकल पड़ा मैं की तलाश में। कुछ दूर जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर आश्रम को देखा जो अब तक उसका घर था। क्या जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है, काला भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। नीचे घाटी की नदी में नहाकर जब वो कांस्य वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहनता है, काला उस पर भौंकने लगा जैसे वो कह रहा हो, इस ताशी को तो मैं नहीं पहचानता। गांव पहुंचकर वो उसी जमींदार तेंजिंग के यहाँ काम मांगने गया। उसे वहाँ रख लिया जाता है। तेंजिंग एक नेक आदमी है। अगले दिन से ही ताशी बाकी मजदूरों की तरह खेत में लग गया। दोपहर को तेंजिंग ने अपनी बेटी पेमा को उसी नए मजदूर को खाना दे आने को कहा। जब पेमा ने देखा वो नया मजदूर ताशी है, वो दंग रह गई। पेमा पूछती है, उसने ऐसा क्यों किया। ताशी कहता है, तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कल सुबह होने से पहले चला जाऊंगा। शाम को पेमा उसके पास जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी है और फिर दोनों एक दूसरे के बाहों में विलीन हो जाते हैं। आधी रात को जब वो छुपकर घर में दाखिल हो रही होती है, उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पे कालिक पोत देती है। उन्हें पता चल गया था कि वो नए मजदूर के साथ थी। पेमा के पिता और उसका मंगेतर ताशी की पिटाई करने जाते हैं। पहले तो नहीं पर तेंजिन उस वक्त ताशी को पहचान लेता है और उसे घर ले आकर उसकी मरहम पट्टी करता है। पेमा और जामयांग एक ही गांव से हैं और बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं। वो उसे मिलकर बताती है कि कल ज्योतिष को बुलाया गया है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन ज्योतिष ने आकर शादी की तारीख इसी महीने की 10 को निकाली, पर सब हैरान हैं कि शादी आखिर किससे होनी है, जामयांग या ताशी से। ज्योतिष ने कहा, और किससे होगी, ताशी से। कल रात ही तो जामयांग ने आके मुझसे पेमा और ताशी की शादी की बात पूछी थी। जामयांग ने अपनी भावनाओं की कुर्बानी दे दी। जब पेमा ने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तो उसने कहा, हमारी शादी तो तय थी, फिर ज्योतिष को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। 10 तारीख को गाना बाजे के साथ पेमा और ताशी की शादी हो गई। उनका जीवन सुखी से बीत रहा है। इस बार भी फसल कटाई के बाद बिचौलिया दावा उनके उगाए अनाज खरीदने उनके गांव आया। नाप तौल करते समय ताशी को कुछ गड़बड़ी लगी और जांचने पर पता चला कि उसका तराजू सही नहीं है। दावा सालों से उनका अनाज नीचे बाजार में बेचा करता है। उसकी तेंजिन से इस बात पर अनबन हो गई और वो बिना अनाज खरीदे ही चला गया। तेंजिन ताशी पर गुस्सा करता है कि अब कौन इतनी दूर उनका अनाज खरीदने आएगा। ताशी कहता है, हम खुद अपना अनाज लेकर बाजार जाएंगे। अगले दिन सफ़र के लिए गर्भवती पेमा खाना एक गठरी में बांध कर ताशी को देती है। सारा सामान एक ट्रक में लाद कर वो नीचे घाटी में तिब्बत बाजार पहुँचे। उनका सारा अनाज बिक जाता है। आज उन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया। तेंजिन आज बहुत खुश है। रास्ते में दावा मिला जो उन्हें कहता है, मुझसे दुश्मनी मोल कर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सालों से तुम्हारा अनाज बेचता आया हूँ और आज इस लड़के के कहने पे तुम तरीके बदलना चाहते हो। ताशी के वापस आते आते पेमा को भी पेट में दर्द शुरू हो गया।
और उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम कर्मा रखते हैं। अब सर्दियाँ आ गई, उनके यहाँ काम करने वाले आए प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की ओर चले गए। अब वो अगले बरस वापस आएंगे। उनमें से एक सुजाता नाम की लड़की है जो अब पेमा की अच्छी दोस्त भी है। एक बार पेड़ पे बैठे ताशी को नदी पे नहाते हुए सुजाता दिखी। वो उसे देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। सर्दियाँ ख़त्म होते ही मजदूर काम पर आ गए। एक दिन ताशी ने पेमा से कहा, हमें इतनी मजदूरों की ज़रूरत नहीं है, कुछ की कटौती करके हम पैसा बचा सकते हैं। पर पेमा इस बात से राज़ी नहीं होती। अगले साल फिर मुनाफा ज़्यादा हुआ। साल गुजरने लगे। कर्मा अब 5 साल का हो चुका है। इस बार जामयांग जब दावा को अपना अनाज बेच रहा होता है, ताशी उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें पता है दावा लोगों को ठगता है। दावा गुस्से में ये कहकर चला गया कि वो अब इस गांव में कभी सौदे के लिए नहीं आएगा। जामयांग ताशी पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूँगा जो मेरे पिता करते आए हैं। उसी रात ताशी के पक्के फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल पे आग फैलते देर नहीं लगी, पूरा गांव मिलकर उसे बुझाने में लग जाता है। आग बुझाते बुझाते सुबह हो गई, सब जलकर खाक हो चुका है। गुस्से में ताशी जामयांग पे शक करता है, उसी ने यह आग लगाई होगी। जब उसने इस बात से इनकार कर दिया तो अब एक ही इंसान बचा। वो तुरंत घोड़ा लेकर दावा के पास जाता है। वहाँ दावा के लोग उसका बुरा हाल कर देते हैं। फिर दावा कहता है, तुम्हारा इल्ज़ाम गलत है, यहाँ ऐसे काम कोई नहीं करता। पेमा और तेंजिन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचे और उसे घर ले आते हैं। कुछ दिनों में जब ताशी के घाव भरने लगे, बचा कुचा अनाज लेकर इस बार पेमा सौदा के लिए बाजार निकली। आज ही सुजाता भी गांव जाने के लिए अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने आती है और ताशी उसके साथ हम बिस्तर होने से खुद को रोक नहीं पाया। जब पेमा वापस आई तो वो उसे नज़रें नहीं मिला पाता। इस सोच में डूबा ताशी कि उसे ये क्या हो गया। दूर से उसे लामा कपड़ों में कोई आता दिखा, वो सोमन होता है। पुराने दोस्त एक दूसरे से गले मिले। उसने बताया कि लामा अपू अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उन्हें पता चला कि उनका समय आ गया है, तब उन्होंने ये पर्चा तुम्हें देने को कहा। उसमें लिखा होता है, ताशी मेरा समय आ चुका है, पर मुझे पता है मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे दोबारा इस संसार में आना होगा। मुझे यकीन है हम किसी दिन मिलेंगे। मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होगा। हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या एक पर विजय पाना। तुम्हारा गुरु अपू। ताशी को ये सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो सारा सारा दिन सोचता रहता है। पेमा भी उसे कुछ दिनों से गौर कर रही है। फिर एक रात पेमा और अपने बच्चे को प्यार कर रात के अंधेरे में घर से निकल गया। सुबह उसी नदी में इस बार उसने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर कांस्य वस्त्र धारण किए और अपने पहले के वेशभूषा में आ गया। लेकिन इस बार रास्ते में उसे पेमा खड़ी मिली, जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। पेमा ने उससे कहा, यशोधरा को जानते हो? सबको पता है साक्य मुनि सिद्धार्थ आगे जाकर बौद्ध बना, पर यशोधरा का क्या हुआ किसी ने नहीं कहा। यहाँ पेमा खुद की पीड़ा बता रही है। यशोधरा ने सिद्धार्थ से कितना प्रेम किया होगा, पर जब वो उसे और अपने बेटे राहुल को छोड़कर बौद्ध बनने का सफ़र तय करने निकल पड़े, यशोधरा को अपना अकेलापन खुद काटना पड़ा होगा। उससे ये कुर्बानी मांगी गई उसने खुद से तो नहीं दी। उसने क्या कहा होगा जब राहुल ने अपने पिता के बारे में पूछा होगा। एक माँ रातों रात अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। ताशी ऐसा केवल एक पुरुष ही कर सकता है। यशोधरा को दुख पीड़ा यंत्रणा का अनुभव तब से था जब सिद्धार्थ इन चीज़ों से अज्ञात था। क्या पता उनके आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में यशोधरा का भी उतना ही महत्व हो। यशोधरा ने भी अंत में संन्यास ले लिया था। तो त्याग सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं दिया, यशोधरा का त्याग भी बहुत बड़ा है। ताशी अगर तुमने जितना मुझसे प्रेम किया अपने धर्म से भी ऐसा प्रेम किया होता तो भी इसी शरीर में इसी जीवन में बुद्धा बन सकते थे। ताशी पेमा से माफ़ी मांगते हुए कहता है,
मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ। जैसे हमेशा सफ़र में जाते हुए पेमा उसे खाना बांध कर देती थी, आज भी वो उसे खाने की गठरी थमाती है, शायद इसीलिए क्योंकि उसका सफ़र अब उसे ही तय करना है। जो भी हो, पर यह सफ़र लंबा होने वाला है। ताशी अपने अशांत मन की पीड़ा से बहुत रोता है। जब उसके आंसू सूखते हैं, उसे वहाँ वही पत्थर दिखा जिस पे लिखा था, जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जा सकता है। पत्थर पलटने पे जवाब लिखा था, उसे समंदर से मिल जाने दो, फिर वो कभी नहीं सूखेगा। ऊपर एक बाज आसमान में चक्कर लगाते हुए दिखता है। ताशी सोचता है, काश ये बाज एक पत्थर उस पे भी गिरा के उसकी सारी विडंबना और पीड़ा का अंत कर दे और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सच्ची कहा है, हमारा जीवन बारिश के जल की बूंद के समान है। जब ये भाप बन जाती है, वो मृत्यु के समान है। और यही जल की बूंद जब समंदर में मिलेगी, तो ये परमात्मा से मिलन है। फिर ये जीवन कभी नहीं सूखेगा। इंसान की इच्छाओं आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, पहले काम वासना, फिर भौतिक चीज़ों के प्रति लोभ जैसे धन, फिर राग द्वेष और अंत में पराई स्त्री पर नज़र। इंसान संन्यास का रास्ता इसीलिए चुनता है क्योंकि वो एकांत ढूंढता है। उसके जीवन में मनुष्यों का, परिस्थितियों का कम से कम हस्तक्षेप हो, ताकि उसका पूरा ध्यान आध्यात्म में स्थिर हो सके। परंतु अंतहीन इच्छाओं को वश में करके गृहस्थ जीवन में एकाग्र मन से चल पाने से भी आध्यात्मिक पथ मुमकिन है। ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।